आज है ट्यूसडे। कितने बजे ध्रुव? ध्रुव नहीं बताएगा, 10 बज रहे हैं अभी सुबह के। और ध्रुव, मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी तभी ध्रुव धड़ाम से नीचे गिर गया, उसकी लग गई चोट पैर में। अब मैं से चुप कर आ रही हूँ। तेज लगे ध्रुव? तेज लगे ध्रुव? इतनी तेज लग गई ना, अब मैं इसको ठीक करती हूँ। उसके मैं नाश्ता करने बैठी थी, मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हम लोग, और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही धड़ाम ध्रुव गिर गया। तो मैं उसको चुप भी करा रही हूँ और मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद कुछ काम है, वो काम करेंगे। और यहाँ मेरा आज किचन का काम सारा पूरा हो गया है। इसके बाद मैंने ध्रुव को नहलाया, और नहलाने पे जब एक काम मेरा और बढ़ गया, जब मैंने उसके कपड़े निकाले तो सारे कपड़े नीचे गिर गए। तो ऐसे ऐसे काम बढ़ते हैं। अब मैं उनको ही तह लगाने जा रही हूँ, और सारे कपड़े भी मैंने ध्रुव के लगाए तो नीचे मेरे भी थे, तो मैंने चलो मैंने कहा पूरी अलमारी ही सही कर देते हैं, तो वही मैं सब कर रही हूँ। मेरा काम बढ़ गया। ये देखो ध्रुव ना रेस में, जब ये नर्सरी में था, अभी तो ये किसमें है, UKG में है। जब ये नर्सरी में था तो ये देखिए ये रेस में आया था सेकंड, और जब LKG में तब भी सेकंड आया, फर्स्ट नहीं आया। ये दो मेडल मैंने इसको संभाल के रखे हैं। अभी आ रहा देखो लेने के लिए। हाँ, किसके मेडल हैं ये? किसके मेडल हैं ध्रुव? मेरे हैं। तुम्हारे हैं? हाँ, तो ये मैंने अभी जितना कर सकती मैंने कर ली, कल फिर ऐसी हो जाएगी क्योंकि इसका कपड़ा ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करा। ये देखो ध्रुव ने मेडल पहन लिया। ध्रुव ने मेडल पहना। ध्रुव क्या आया था, कौन सी रेस में? बटरफ्लाई। ध्रुव से कूदा ही नहीं जाता था, उसको जंप वाली रेस में रखा था, और ध्रुव ने जंप वाली रेस मेडल बोला मैडम फिर उसकी हमने चेंज कर दी थी, इसे जंप भी नहीं कर पा रहा है, इसको हम बटरफ्लाई में रेस में रखेंगे। देखो मैंने इसके लिए, फिर वो सनफ्लावर वाली रेस में भी रहा था, मैंने सनफ्लावर बनाया था उसके लिए, लेकिन फिर स्कूल में मैडम ने कहा हमने अरेंजमेंट कर दिया है, मतलब आगे फ्लावर लगाना था और ध्रुव को भागना था, तो मैंने इसलिए इसको सनफ्लावर ही बनाया था। मैं पढ़ाऊँ ध्रुव? ध्रुव को मैं पढ़ाऊँ? पापा ने पढ़ाएं तो मेरे से डरता है, पापा से नहीं डरता, मेरे पसीने आ रहे हैं। तो ये मेरे से डरता है और पापा से नहीं डरता है, इसलिए पापा पढ़ा रहे हैं। खेलती भी है ना, तो पढ़ाई भी तो करेंगे, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हारे क्या बना रही हूँ? फिर मैं तुम्हारे बना रही हूँ राजमा चावल। बस केक बर्थडे में हो गया। केक डेली केक तो ना बनता है। और यहाँ रखती थी मैंने राजमा उबाल के, इसको छौकेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, और मैं इसको लगा रही हूँ कैमरे को।
टर्म में। साढ़े बारह 12:25 में मैं आई थिंक लेके बैठी थी। मुझे एक घंटा लग गया मुझे अलमारी को सेट करने में, कपड़ों को सेट करने में। सब और राजमा तो सभी को आती होगी और तब डेली वही खाना वाना बना के, तो यही खाने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने कहा वो भी शेयर करना चाहिए डेली रूटीन में। तो आज क्या हो गया, वैसे नाश्ता 10 बजे करीब मैंने बताया था, उसके बाद बर्तन बर्तन क्लीन करते करते टाइम हो गया, फिर ध्रुव को नहलाया, उसके बाद कपड़े धोए, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े निकाले थे ध्रुव के, तब तक देखा नीचे से निकाला वो पूरे उल्टे हो गए। तो फिर मुझे पूरी अलमारी, फिर बहुत दिन सोच रही थी मैं इसको सेट करने की अलमारी को, लेकिन भाई है अब मुझे पता चलो 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 हो जाएगा, लेकिन ठीक है करना तो है ही सब कुछ काम। और आज इतनी तेज़ धूप है, पसीने छूट रहे हमारे, अलमारी हूँ आपको दिखाऊंगी भी। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी राजमा छौंकने के लिए, उसमें सरसों का तेल डाला, जीरा डाला, हींग डाला, और उसके बाद थोड़ा सा खड़े मसाले थे, तेज़पत्ता था, लौंग और क्या कहते काली मिर्च थी, और थोड़ा सा दालचीनी था, वो सब डाल दिए खड़े मसाले। उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि बेटा नहीं खाएगा, फिर वो लाल मिर्च डालूँगी नहीं मैं, इसमें सिर्फ हरी मिर्च डालूँगी। और बस सिंपल जैसे बनता ही है, सबको पता ही है कैसे बनता है, लेकिन बना रही हूँ तो मैं दिखा दिया। तो फिर इसके बाद मैं हरी मिर्च डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसको थोड़ा हल्का सा ही भूनेंगे, ग्लू सिम करी थी मैंने गैस। उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी, प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन दूँगी, जलाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए कलर जैसे चेंज हो गया। उसके बाद मैं यहाँ टमाटर डाल दूँगी, टमाटर के बाद अपने हिसाब से नमक, क्योंकि नमक हमने पहले से ही उसमें राजमा में डाला हुआ है, तो उस हिसाब से नमक डाल देंगे, थोड़ा हल्दी पहले से डाल गई तो हल्दी डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला। बस इन्हीं मसालों को हमको पकाना है, बेसिक मसालों में हमको पकाना है, एक्स्ट्रा कोई भी होगा तो कुछ और भी डाल सकते हैं, राजमा मसाला भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको डालने के लिए। तो मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो ये बोलो मैं धनिया गरम मसाला भी बहुत नाम मात्र का डाला हुआ था मैंने, क्योंकि वो
खाता नहीं, उसको बहुत मिर्च विर्च लग जाती है ध्रुव को, तो इसलिए बस इनको बस मैं पानी डालूँगी, इसको जल ना जाए इसलिए पानी डालूँगी और बस ढक्कन लगा दूँगी। बस ये 5-7 मिनट में अच्छा से ये जब तेल छोड़ने लगेगा तब उसमें उसको ढक्कन को निकाल के मैं उसमें राजमा को कड़छी से दो कड़छी राजमा को मैं, ये देखिए हाँ मैंने पानी डाल दिया है, बता ही रही थी बस। तो बाद में जब ये थोड़ा पक जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा, मसाला अच्छे से एक दूसरे से मैश हो जाएंगे, ये वहाँ पर हो ही गए हैं, तो फिर बस मैं राजमा को दो कड़छी राजमा को इसमें अच्छे से मैश कर दूँगी, जिससे कि ग्रेवी की थिकनेस बनी रहे, अलग अलग नज़र ना आए। बस यही काम है। ये देखिए यहाँ पर पानी तेल छोड़ने लगा है, और इसके बाद बस मैं लेंगे उसके बाद मैं चावल चढ़ा रही हूँ साथ में, चावल राजमा और चावल खाएंगे, और बस इसके साथ ये मेरा दिन का लंच हो जाएगा। देखिए आप, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बने थे पिक में। आ गई हूँ मैं, राजमा भी मेरी थड़क रही है अच्छे से, और चावल तो मैंने बंद कर दिए हैं, तो राजमा चावल खाएंगे। और आज उसे बहुत थक गए हैं, और उधर धूप चिलारे में लगा हुआ है, उसको एक चिप्स का पैकेट मिला है ना, पापा लेके आए उसके लिए। तो बस यही था, आज बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। कल जिस हिसाब से मतलब हम मौसम पता ही नहीं लगता देहरादून में, हमने कल फ़ैन ही नहीं, मतलब फ़ैन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, रात को सुबह के टाइम सोचते ठंडा हो रहा है और फ़ैन ही नहीं चलाते, सच में ठंडा था कि ठंड लग रही थी, सुबह तक भी लग रहा था, लेकिन अब इतनी देर देखो क्या पैकेट है ना, जब तक ये फूटेगा नहीं ना दूध तो मानेगा नहीं। अभी मैं इसका पैकेट खोलूँगा, अब पहले रात में चावल खाना है ना, राजू चावल बनाए, और फिर बस इतना पसीना हो रहा है कि अब ऐसे में आपका वीडियो तो बहुत ही मुश्किल है, और इसी में यही वीडियो तो लेंथी हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो था, अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाए राजमा चावल। राजमा चावल सबको आते बनाने, मैंने एक्चुअली जब से वीडियो स्टार्ट किया पहली बार बनाया राजमा चावल, 7-8 दिन हो गए मेरे को, 9-10 दिन हो गए, तो इसलिए मैंने शेयर करा है अलग अलग स्टाइल से, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लोगों को आते बनाने, तो लेकिन मैंने ऐसे बनाया वैसे बना दिया, मेरे को अच्छा लगा शेयर करना चाहिए, मैंने शेयर कर दिया। और बाकी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं थोड़ा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे एक्चुअली। मैंने ना जिस लोग करते हैं फेसबुक में वगैरह में, मैंने किसी में नहीं किया है, थोड़ा मैंने कहा पहले मैं खुद अपने में हो जाऊँ कि हाँ मैं कर, मैंने किसी में नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत ये कि अपने फैमिली मेम्बर में एक आधा सबको नंबर दे रखे, आप देख रहे मेरे इतने सब्सक्राइब जल्दी बढ़ भी नहीं रहे, तो एक तरफ लगता है करना चाहिए दे देते हैं, फिर लगता है कि यार देखते हैं अपने आप अपने बलबूते पर कितना फर्क हो पाता है। तो थोड़ा बहुत जो है वो एक आधा फैमिली मेरे फैमिली मेम्बर अपने बहनें वगैरह हैं उन्होंने, आप लोग नए हैं यार, थोड़ा हम भी दिक्कत हो रही है सब चीज़ें करने में, तो प्लीज़ आप कुछ कमेंट कीजिए, कुछ बताइए सही हो रहा है गलत हो रहा है। मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी, मेरे को थंबनेल नहीं आ रहा था पहले मेरा, मुझे ये समझ नहीं आ था कैमरा ऐसे पकड़ूँ या ऐसे पकड़ूँ, इधर देखूँ उधर देखूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। देख तो मैं एक साल से रही थी, मैंने बताया था पहले अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैं एक साल से देख रही थी सब अक्टूबर नवंबर से, मेरा मन था कि मुझे करना है, लेकिन फिर अचानक से होता है ना कभी कुछ चीज़ अचानक से जाती, चलो करके देखते हैं यार स्टार्ट करते हैं। तो पहले बनाने में ही इसका मेरा चैनल बनाने में ही मुझे दिक्कत हो गई कि ये करना, तो हस्बैंड ने जैसे जैसे करके, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सब पहली बार करते हैं तो दिक्कत तो किसी को इस चीज़ की, ये तो है नहीं कि हमारे घर में सब यूट्यूबर बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं, पहली बार कर रहे हैं घर पर, तो बहुत दिक्कत हुई। तो ये सब चीज़ें अब थंबनेल समझने में, फिर ये वो करो, बहुत सारी दिक्कत हुई। तो आप लोग यार प्लीज़ कुछ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब देखें अभी एक मैसेज आया, दीदी को दिया था मैंने, ऐसा मैंने एक दीदी को दिया था कि दीदी मतलब कुछ कुछ कुछ
जो खोते ना खास हाँ चलो इनको देते हैं, वो बोलते चलो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, तो उन्हीं का भी मैसेज आया है ठीक है मैं करती हूँ। तो मेरा तो बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल चल रही है, मैं कुछ ना खरगोश की चाल चलती है बिल्कुल हो जाता है एकदम से, मेरे तो कछुए की चाल रहता है, भी लगता है अरे ये बढ़ भी रहे कि नहीं बढ़ रहे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं सोचती हूँ कि जो आगे ट्राईपॉड खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, तब तो लगता है अरे होगा कि नहीं होगा, खरीद तो लो, तो लगा हुआ ही नहीं। तो चलो पर ये है कि जिस रास्ते निकले तो चलते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे करने की। कभी कभी लगता है कि पसीने निकल रहे, पता क्या और दिन क्या होता है कि हम अपना काम कर रहे हैं तो पता कोई नहीं, किसी को नहीं दिखाना। अब ये कि काम हम नॉर्मल थे वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये भी करना है, इसे स्टार्ट भी करना है, ये भी चलाना है, और फिर पकड़ के भी रखो। इतना पसीना आ रहा है, इतना गर्म हो रहा है, इतना धूप हो रहा है, और मेरी राजमा उधर हो गई। तो मैं बस इसमें यहीं पर ऐड कर रही हूँ वीडियो का, अपना छोटा मोटा जैसा वीडियो था, आप देखिएगा मेरा वीडियो, पसंद आए या प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो इम्प्रूवमेंट की सभी को ज़रूरत होती है, मेरे को बहुत ज़रूरत है, मैं तो कह रही हूँ बहुत ज़रूरत है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हम कमेंट करके बताइए क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो पूरा फुल स्क्रीन नहीं आ रही, मैंने से यही पूछा था कि फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रही, फुल स्क्रीन क्यों नहीं, कह रही इतना ही आती है। तो मैं यही बोल रही हूँ, आप लोग देखिए बताइए क्या गलती हो रही है मेरे से, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है लाइक करना, तो कमेंट कीजिए, और यार आगे बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा, कछुआ तो चले थोड़ा थोड़ा, तब तक कछुआ भी नहीं चला, कछुआ बैठ ना जाए ठीक है। तो मैं बताऊँगी राजमा चावल कैसे बन गए, उसके बाद यही ऐड करूँगी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत आगे हो जाएगा।